नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। और इस बार हिट हुआ है भारत, हमारा अपना देश, हमारे विदेश मंत्रालय हिट हुआ है। और हिट किया है हमारी गोदी मीडिया ने। बात है कनाडा की। कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। उसके बाद G20 में जब कनाडा के प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने ये मुद्दा भारत सरकार से उठाया। भारत सरकार ने, जैसा कि उन्होंने कहा, इसको खारिज किया। प्रधानमंत्री के साथ 1-to-1 में उन्होंने बाकायदा ये पूल साइड मीटिंग में उठाया था। उसके बाद जब ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, जब वो गए वापस, तो वहाँ के पार्लियामेंट में उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि हमारे पास सबूत है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की है। इसके लिए हमने एक बड़े अधिकारी को निष्कासित भी किया है कनाडा के से, भारतीय अधिकारी को दूतावास से। उसके बाद भारत ने भी रिटेलिटेशन में, यानी उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए, उनका भी एक अधिकारी निकाल दिया। और उसके बाद ये युद्ध बढ़ता गया, मतलब ये वॉक युद्ध, जो शब्दों के बाण चलते रहे दोनों तरफ से। हमारा विदेश मंत्रालय भी भिड़ गया। और इसी के बीच भारत सरकार ने कनाडा के लोगों को वीज़ा देना मना कर दिया। हमारे यहाँ के जो इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने बाकायदा 15 लोगों की एक लिस्ट दी, कहा कि आपके यहाँ हमारे आतंकी छुपे हुए हैं। दूसरी ओर खालिस्तानियों ने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को धमकी दी कि आप हिंदू चले जाइए यहाँ से, छोड़ के हम मंदिर तोड़ देंगे। कुल मिला के अब ये रायता बहुत फैल गया। लेकिन भारत में जो हमारा मीडिया है, और ख़ासकर गोदी मीडिया, क्योंकि विदेश मंत्रालय के मामले में जितना कम बोलो उतना अच्छा, क्योंकि कल क्या होगा ये बता नहीं सकते। तो हमारे यहाँ जो बात शुरू हो गई, उसमें जो हेडलाइंस मैं कुछ सुनाता हूँ आपको। सर्जिकल स्ट्राइक, ANI ने निकाले नाम, घर में घुस के ठोकेंगे, कनाडा को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, मोदी खालिस्तानियों का अलग देश। मोदी से पंगा लेने के बाद खून के आंसू रो रहे हैं ट्रूडो। फिर ये जो सिन्हा साहब है, जो पाठशाला बनाते हैं और बोलते हैं कि मोदी जी बहुत देखते हैं, शायद मोदी जी को खुश करने के लिए उन्होंने कहा था, सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस कर ठोक दिया। सूखा के ढेर करते ही ट्रूडो की निकली हिकड़ी, एक्शन में डोभाल, हेडलाइंस है हमारे यहाँ चैनलों की। खालिस्तानियों को उड़ाते ही बिलबिलाए पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया। फिर पाकिस्तान पे आ गए। कनाडा में खतरे में आ जाएंगे हिंदू, एक्शन मोड में मोदी, डोवाल और शाह, चून चून कर मारे जाएंगे खालिस्तानी। ये हेडलाइन है हमारे मीडिया की। आगे मोदी को आया गुस्सा, ट्रूडो को मिलेगी नमक हरामी की सज़ा, बुरे फंसे खालिस्तानी ट्रूडो, बाइडेन ऑस्ट्रेलिया ने फटकारा, ट्रूडो ने दिखाई अकड़, मोदी ने निकाली गर्मी, ट्रूडो ने की निकल गई सारी हेकड़ी, बायकॉट होते ही गिड़गिड़ाने लगे भारत एक्शन में, कनाडा में हाहाकार, कनाडा की ऐसी की तैसी, चीख चीख कर कूद पड़ा अमेरिका। ये मोदी को खुश करने के लिए लोगों ने हेडलाइंस तो दी, लेकिन जैसे हमारे यहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स भी पढ़ा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अखबार पढ़े जाते हैं, जॉन्सबर्ग में प्रधानमंत्री गए और प्लेन में बैठे रहे शादी के फूफा बन के गुस्से में, वो भी वहाँ के अखबारों ने देखा, तो हमारे देश में पढ़ा और पता पड़ा। तो क्या भारतीय मीडिया को विदेशी मीडिया या विदेशी लोग वॉच नहीं करते? बिल्कुल वॉच करते हैं। उसकी परिणति ये हुई कि व्हाइट हाउस, अमेरिका जो भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, जो करोड़ों का सामान बेच के चला गया, अब तो हमने सुना बाइडेन साहब को बाकायदा हमारे 26 जनवरी के परेड के लिए भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। उस व्हाइट हाउस के एक बड़े अधिकारी ने कहा
कि भारत हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में शामिल हो। हत्या का आरोप भारत पे है। यूएस के जो राजदूत है भारत में एरिक गारसेटी, उन्होंने कहा कि पारंपरिक मित्र सहयोग करें और हत्या करवाने वाले को सजा दिलवाएं। व्हाइट हाउस ने ये बात बाकायदा बोला है, मतलब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एडियन वॉटसन ने ट्वीट, जिसको आजकल एक्स कहते हैं, करके बताया कि हमने कनाडा को खारिज किया या कनाडा को हमने अलग रखा या डाटा, ये झूठ खबर है। हमने कनाडा के साथ हमारे निकटता है, हमने समन्वय और परामर्श कर रहे हैं। कनाडा के जमीन पे कनाडा के नागरिक की हत्या ये गंभीर बात है और कानूनन इस पे जांच होनी चाहिए और सब ने जांच में मेहनत कर मतलब मदद करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के जो परराष्ट्र मंत्री हैं उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि हमने भारत को इस बारे में बाकायदा हमारी बात हुई है। जो विदेश मंत्री है पेनी वोंग, उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमने ये कनाडा का मुद्दा उठाया था, यदि भारत पे आरोप है तो भारत ने जांच में सहयोग करना चाहिए। कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये जो हमारे यहाँ गोदी चैनल बिना सैर पैर की खबरें बता के जो बात बताते हैं वो गलत है। अमेरिका के लिए कनाडा पहला है, भारत बाद में है। ऑस्ट्रेलिया के लिए कनाडा पहला है, भारत बाद में है, क्योंकि कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनका एक ग्रुप है 5IG इंटेलिजेंट शेयरिंग के नेटवर्क का ये हिस्से हैं पांच लोग। और इन्होंने जो नेटवर्क में इंटेलिजेंस जो इनपुट एक दूसरे को देते हैं उनकी घनिष्ठता ज़्यादा है, हम उनके लिए एशियाई हैं। हालांकि यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्वाड में साथ में हैं, लेकिन फिर जब कनाडा की बात आई तो कनाडा के लिए अमेरिका भी खड़ा हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा हो गया। कुल मिलाकर जब हमारे देश के गोदी नेताओं को, गोदी मीडिया को एक समझ लेना चाहिए कि ये युद्ध तो नहीं था कि लोगों में उत्साह बनाने के लिए आप बिना सर पैर की खबरें बता के अपने देश को बढ़ा चढ़ा के बिताएं। ये विदेशी मसला था, ये विदेशी मंत्रालय का काम था। विदेशी मंत्रालय हो गया, डिफेंस हो गया, ये बड़े डेलिकेट होते हैं। चैनल के बेवजह फालतू हवाबाजी करने से दोनों देशों के बीच संबंध खराब होते हैं। ये जो बोल रहे थे कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया कनाडा को लताड़ा, ये तमाम एंकर आज उस जवाब का जवाब दें जो कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के प्रवक्ता कहते हैं समिति के, कि कनाडा को किसी ने नहीं फटकारा, हम कनाडा के साथ हैं और कनाडा को हम लगातार सहयोग मतलब समन्वय बना के रखे हैं, कनाडा से हम परामर्श कर रहे हैं और हम ये बार बार बोल रहे हैं कि जो कनाडा की धरती पे हुआ वो गलत है और सभी ने इसमें जांच का सहयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर गोदी मीडिया ने मोदी जी की फिर किरकिरी करी एक बार। यदि गोदी मीडिया ये बड़ा चढ़ा के बात नहीं करता कि कनाडा के दो टुकड़े कर देंगे, ये सारी बातें हवाबाजी हैं, ये हो नहीं सकता। कल ये सारे के सारे देश कनाडा के साथ खड़े होंगे तो भारत कहाँ लड़ेगा। लेकिन जो कनाडा की धरती पे हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सरकार ने ये बात उठानी चाहिए और सरकार लगातार उठा रही है, लेकिन जब विदेश मंत्रालय विदेशी दांवपेश के साथ चल रही है, ऐसे में मात्र किसी को जननायक करने के चक्कर में आप इस देश का कितना नुकसान करते हैं ये नहीं सोचा। बहुत कम लोग जानते होंगे
भारत में मसूर दाल कनाडा से आती है। कनाडा भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यातक है मसूर दाल का। मसूर दाल का कलेदी सप्लाई कम हो गया या खंडित हो गया तो इस देश में हाहाकार मच जाएगा। ऐसे में मैं ये नहीं कहता कि कनाडा को गलत मत कहो, लेकिन गलत कहने का जिनको अधिकार है, जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में भारत का विदेश मंत्रालय चीज़ों को उठा रहा है। थोड़ा संयम हमारे यहाँ मीडिया ने बरतना चाहिए, और यही कारण है कि मीडिया मोदी जी को जननायक बनाने के चक्कर में मोदी जी को ही एक्सपोज करती हैं, मोदी जी को ही बदनाम करती हैं। तो कई बार चाय से कैटली गरम जो हम कहते हैं, उसका बेहतरीन उदाहरण ये है। अब ये पाठशाला में सिन्हा साहब की पाठशाला लेना ज़रूरी है कि भाई साहब थोड़ा आप समझाइए, कौन से अमेरिकी ने आपको बताया था, किसने आपको कहा था कि अमेरिका ने कनाडा को लताड़ा है? वो तो सब एक हो गए हैं, अब लताड़ भारत को पड़ रही है कि आप जांच में सहयोग दें। भारत जांच में सहयोग क्यों दे जब भारत आरोपी है? सीधा सीधा भारत पे आरोप है कनाडा का, ये हत्या आपने करवाई है। तो भारत सरकार इसको अपने ढंग से मना कर रही है, अपने ढंग से राजनीतिक चालें चली जा रही हैं। जो विदेशी मंत्रालय कर रहा है, बहुत होनहार लोग हैं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो अधकचरे लोग हैं जो सिर्फ जय जयकार करना जानते हैं, ये भूल जाते हैं कि कौन सा नारा कहाँ लगाना। कोई जीत के आएगा तो कहेगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा। अरे भाई, अभी वो जिंदा है, और किसी के मैयत पे कोई और नारा लगाएंगे, क्योंकि इनको नारा लगाना आता है। इन्हें स्थिति नहीं समझ में आती कि ये मैयत है, ये शादी है, ये विजय जुलूस है। नारे इनके पास एक ही है, पर कोई भी नारा कहाँ लगाते हैं। इसी नारे के चक्कर में इस गोदी मीडिया ने मोदी जी की भारी किरकिरी की, और तमाम बड़े देशों के विदेश मंत्रालय अब इस बात को, सारे रिपोर्ट्स को खंडन कर रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं हुआ। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।